नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। COVID-19 से उत्पन्न मेंटल प्रीऑक्यूपेशन की वजह से हम बहुत सारे वॉटरशेड एनिवर्सरीज को एड्रेस या फिर उसके बारे में बात नहीं कर पाए, एक तरह से मिस हो गया है। कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमको और हमारी जिंदगी को इंपैक्ट करती है, किया है इन द पास्ट, पर इस पर डिस्कशंस नहीं होता है या हो नहीं पाया है। ऐसे लेकिन बहुत से हिस्टोरिकल एपिसोड्स हैं जिनका इंपॉर्टेंस हम सब मानते हैं, परंतु फिर भी लगता है हिंदुस्तान के लिए इसका कोई खास रिलेवेंस नहीं है। द्वितीय विश्व महायुद्ध या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 20th सेंचुरी की एक ऐसी इवेंट है जिसके बारे में भारत में एक ब्लैंक स्पॉट जैसा है। मोटे तौर पर सबको पता है क्या हुआ था, लेकिन भारत का इससे क्या लेना देना, इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है लोगों का। कारण सिंपल है। माना जाता है कि क्योंकि हिंदुस्तान उस समय आजाद नहीं था, दैट वॉर वॉज नॉट आवर्स। अंग्रेज सरकार को सितंबर 1939 में जब युद्ध शुरू हुआ था, उस समय हमारे नेशनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए कोई उत्साह या अर्जेंसी नहीं थी। इसी वजह से हमारे नेशनल मूवमेंट के जो वैनगार्ड फोर्सेस थे, खासतौर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं का, इनका युद्ध में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समकालीन युग में समझना बहुत जरूरी है। अगर ग्लोबली देखें तो देर इज नो डाउट दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज अनडाउटेडली द मोस्ट फंडामेंटल ग्लोबल इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। इवन टूडे पोलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आर स्टिल अराइजिंग आउट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द ग्लोबल ऑर्डर, हायरार्की ऑफ नेशंस इन द यूनाइटेड नेशंस, ऑल दिस वर अरेंज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्दर मोर, the system of permanence for just 5 nations in the world in the UN Security Council was as a result of the way the war ended. ज्यादातर मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अपने देश के इतिहास में डिफाइनिंग एपिसोड के तौर पर देखते हैं। यहां तक कि चाइना ने भी अपने लिस्ट ऑफ नेशनल हॉलीडेज में September 3 को या 3 को बहुत रिसेंटली एड कर दिया है। ये वो दिन है जब जापानीज आर्मी इन द कंट्री फॉर्मली सरेंडर्ड टू द चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज सरकार ने September 3 को विक्ट्री डे के तौर पर मनाना सिर्फ 2000 से शुरू किया। उससे पहले नहीं होता था चाइना में इसका सेलिब्रेशन। 6 साल से ज्यादा चलने वाला ये युद्ध, द्वितीय विश्व महायुद्ध का विक्ट्री डे यूरोप या अमेरिका में 8 मई को मनाया जाता है। ये वो दिन था जब हिटलर के सुइसाइड के बाद जर्मनी के सरकार ने एलाइड फोर्सेस को सरेंडर किया। लेकिन एक्ट ऑफ मिलिट्री सरेंडर 8 मई 1945 को साइन करते करते रात के 11 से ज्यादा बज चुके थे। उस वक्त मॉस्को में रात के 12 बजे से ज्यादा समय हो चुका था। इसीलिए रशिया वीडे जो है 9 मई को हर साल मनाता है, एक परेड निकालती है। कई और देश, खास तौर से जो एशियन कंट्रीज हैं, वहां 15 अगस्त को वीडे मनाया जाता है। ये वो दिन था जब जापानी सम्राट एम्परर हिरोहितो, उन्होंने जापान के अनकंडीशनल सरेंडर का डिक्लेरेशन किया था। अगस्त 15
August 15 is since then commemorated in many countries as a victory over Japan or VJ Day. But the official surrender documents were not signed until the 2nd of September 1945, which is considered to be the VJ Day in the United States of America. और अब चीन 3 सितंबर को अपना वी डे मनाता है. एक ही एपिसोड, एक ही घटना, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन अलग अलग देश अलग अलग दिन उसको कॉमेमोरेट करते हैं. परंतु हिंदुस्तान में कोई ऑफिशियल कॉमेमोरेशन नहीं होता है. हमारे नेता दूसरे देशों के कॉमेमोरेशंस में शामिल होते हैं, जैसा कि इस साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे 75th एनिवर्सरी ऑफ द वी डे को सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें उस परेड में शामिल होने के लिए. नाउ आई एम नॉट आर्ग्यूइंग इन एनी वे दैट लाइक अदर नेशंस वी टू मस्ट कास्ट दिस कॉमेमोरेशन इन अ वेरी नेशनलिस्टिक मोल्ड. परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन पार्टिसिपेशन के बारे में अपनी अवेयरनेस हम लोगों को जरूर से कुछ बढ़ानी चाहिए. पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे 2019 में जो 80th एनिवर्सरी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था, या फिर अभी जो 75th एनिवर्सरी ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो कई सारे स्कॉलर्स ने बहुत अच्छे हिस्टोरिकली साउंड किताबें लिखी. दीज इंक्लूडेड बुक्स बाय श्रीनाथ राघवन, यास्मीन खान, रघु कर्नाड एंड के एस नायर. ज्यादातर इन किताबों में इंडियंस का मिलिट्री रोल और उनके बहादुरी के एपिसोड्स के बारे में डिटेल्स दिए गए. कुछ एम्फेसिस इस बात पर भी रही कि शायद द प्रोसेस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज हेसन्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. कुछ एक्सट्रीमली रेलेवेंट फैक्ट्स इन स्कॉलर्स ने एस्टैब्लिश किए, जैसे वॉर की नेसेसिटी थी भारत के इकोनॉमिक विकास होना अनिवार्य था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, एमर्जेंस ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास were all a part of this positive fallout. Indian military forces की training, बंदरगाहों का development और हवाई अड्डों का विकास होना also became an integral part of the Second World War. युद्ध के पहले हिंदुस्तान में बस गिने चुने airports थी. By the time जब war खत्म हुआ तब तक 200 से ज्यादा एयरपोर्ट्स थे. अभी भी मोस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया हैव द लेगेसी डेटिंग बैक टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑचिनलेक ने हिंदुस्तान में बहुत वक्त बिताया और युद्ध के समय कमांडर इन चीफ भी थे भारतीय सेना के. उन्होंने कहा था द ब्रिटिश कुडंट हैव कम थ्रू बोथ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट and the Second World War had it not been for the Indian armed forces. British commentator Simon Winchester ne likha tha that one of the best known memorials to the fallen of the Second World War is also very sadly among the least visited. Ye Nagaland ke Kohima shehar mein hai. Epitaph mein likha char panktiyan bahut hi marmik hain. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today. Winchester ne aage likha, where is home? Who is them? Who is us? Yudh mein to mrityu hoti hi hai, dono sides. Parantu Britain ne un bhartiyon ke sacrifice को ड्यूली रिकग्नाइज क्यों नहीं किया है? बेसिक आंकड़े क्या कहते हैं? 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की संख्या 200,000 से भी कम थी. युद्ध खत्म जब हुआ तब ये नंबर
20 लाख से भी ज्यादा हो चुकी थी। लगभग 90,000 भारतीय सैनिक कभी भी लौट के नहीं आए। As many as 17 soldiers of the British Indian Armed Forces were awarded Victoria Crosses in the Second World War. ये तो बस ऑफिशियली जो सैनिक थे, लाखों हिंदुस्तानी पर्दे के पीछे एंसिलरी सर्विसेज में डिप्लॉयड थे। ये नॉन कॉम्बैटेंट्स जो रसोइये थे, दर्जी थे, धोबी थे, मैकेनिक्स, यहां तक कि मोची भी। एरिट्रिया में अगर आप में से कभी कोई जाए तो वहां अवश्य वक्त निकालकर गफूर नाम के एक भारतीय के कब्र पर जरूर जाइएगा। गफूर के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन सिर्फ इतना पता था कि उनकी मृत्यु, वो मोची थे और उनका काम था सैनिकों का जूता साफ करना और रिपेयर करना, उनकी मृत्यु बैटल ऑफ केरन में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि दीज इंडियंस आर नॉट रिमेम्बर्ड ऑन मोस्ट ओकेजंस बिकॉज दे फॉट अ वॉर दैट वाज नॉट ऑफ देयर ओन नेशन, दैट दे जॉइन द ब्रिटिश आर्म फोर्सेस ओनली बिकॉज ऑफ द वेजेस दैट दे रिसीव एंड दैट इन अ वे दे वर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम पेड मर्सिनरीज। चलिए कुछ समय के लिए हम ये आर्गुमेंट मान लेते हैं, परंतु क्या सेकेंड विश्व महायुद्ध के दौरान हमारे लोगों के पर्सनल हिस्ट्रीज हमारे राष्ट्रीय के इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए? Moreover, we must also understand how Indian nationalists leveraged the British necessity to secure support for the war. हिंदुस्तान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट पर डिवाइडेड ओपिनियन क्यों है? क्या हमारे नेशनलिस्ट स्टॉलवर्ड्स के कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस इसका कारण है? मैं सुभाष चंद्र बोस के फैसले और उनके ट्रैजेक्टरी के बारे में बात कर रहा हूं। आप सब जानते हैं सुभाष बोस हिंदुस्तान से ब्रिटिश कस्टडी से एस्केप कर पहले जर्मनी गए और बाद में जापान से मदद लेकर ब्रिटिश से हिंदुस्तान को आजादी दिलवाने को चाहा। उनके बहादुरी और मौत पर घिरे हुए कंट्रोवर्सी, उसका छाया, उसकी वजह से हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रति रिस्पॉन्सेस काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुए हैं। आम भारतीय कॉन्शियसनेस में जरूर सवाल उठा होगा, हम कैसे कुछ सैनिकों को एक तरफ तो पुरस्कृत कर सकते हैं और बाकियों के खिलाफ ट्रीजन के केसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। तमाम इतिहासकारों ने फरवरी 1946 के नेवल म्यूटिनी और आईएनए ट्रायल्स के बीच में लिंक को एस्टैब्लिश किया है। बलाईचंद जैसे कई भारतीय युवा थे जो विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में सर्विसेज किए, उसके बावजूद आईएनए ट्रायल्स के खिलाफ नेवल म्यूटिनी में शामिल हुए, उसके खिलाफ आवाज उठाई। क्लियरली कॉलोनियल इंडिया में डिवाइडेड लॉयल्टीज थे उन सैनिकों के प्रति जो ब्रिटिश और एलाइड फोर्सेस के साथ युद्ध में लड़े थे, दूसरे तरफ आईएनए के वीरों के लिए जो हिंदुस्तान को लिबरेट करना चाहते थे। आजादी के बाद आईएनए का रोल पॉपुलर हिस्टोरिकल अकाउंट्स का हिस्सा तो बन गया, परंतु हजारों शहीदों और उन लाखों वीरों का जो वॉर में शामिल हुए थे, उनको लोग भूल गए। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ने के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट की सपोर्ट मांगी तो उनके रिस्पॉन्सेज कॉन्ट्रास्टिंग थे। गांधी जी और कांग्रेस ने वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। गवर्नर जनरल लिनलिथगाओ ने 3 सितंबर
1939 को हिंदुस्तान को वॉर में फॉर्मली कमिट कर दिया। उसके रेस्पॉन्स में कांग्रेस के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने तुरंत रिजाइन कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर किया गया ऑफर ऑफ अगस्त 1940 लेकर एक तरह से एक कुछ प्रपोज करें इंडियन नेशनलिस्ट्स को, उसको भी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं माना। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन भेजा, उसके जवाब में गांधी जी ने क्विट इंडिया का कॉल दे दिया। इन कॉन्ट्रास्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट किया इन रिटर्न ऑफ एश्योरेंसेस ऑफ ऑटोनोमस एंड सॉवरेन मुस्लिम स्टेट्स। लेकिन सबसे ज्यादा इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर इंडियन पॉलिटिक्स था वीडी सावरकर, जिनको आज वीर सावरकर कहा जाता है, उनका स्टैंस। उनको लिनलिथगांव ने 9 अक्टूबर 1939 को एक मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। सावरकर मीटिंग में दिल्ली जाने के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पूरी तरह से चर्चा किए और अपने पोजीशन को इवॉल्व किया। ही वॉज प्रिपेयर्ड, ही टोल्ड द ब्रिटिश दैट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू कोऑपरेट इन द पॉलिसी ऑफ मिलिटराइजेशन ऑफ द इंडियन यूथ। सावरकर के हिसाब से हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने आप को मिलिटराइज करना चाहिए। सावरकर के हिसाब से ये सही मौका था कि उनका जो प्लान था कि हिंदुओं को मिलिटराइज करें, ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस उनके हिसाब से जो हुआ था, जो प्रोसेस था, उसको अंडू कर सकें। इतिहास ये दिखाता है हम लोगों को कि जिन्ना और सावरकर एक ही सिक्के के दो पहलू थे। विडंबना है सावरकर को महान देशभक्त कहने वालों की नंबर में कोई कमी नहीं है आज हिंदुस्तान में। नमस्कार।